मोदी मोढ़ेरा सूर्य मंदिर पहुंचा है सीधाजी सूतिया। भारत ही नहीं पुरातन मिस्र में रा, दक्षिण अमेरिका में इंती, अफ्रीका में लीजा, फारस में अगी, चीन में झुरांग, जापान में कागुत्सुची और कोजिन, तुर्की में अलाज, यूनान में हेफेस्टोस हेलिकॉस और रोमनों में वाल्केन और फीबस जैसे पौराणिक अग्नि स्वरूप देवों की कल्पना विद्यमान है। भारत में मान्यता है सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति का पुत्र है। कहते हैं जब सूर्य की शादी विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुई तो संजना उसकी चमक से इतनी परेशान हो गई कि पिता विश्वकर्मा को छाया का निर्माण करना पड़ा और तभी से चल रहा है सूरज की रोशनी के साथ धूप छांव का खेल। उन्होंने सूर्य के कुछ टुकड़े काटकर उसी से गढ़ दिए थे भगवान विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा और कार्तिकेय का भाला। किंतु इतना होने के बाद भी सूर्य बिना रुके अपने सात श्वेत अश्वों के रथ पर आरूढ़ आकाश की परिक्रमा करता ही रहता है, करता ही रहता है। असल में हमारे मानव बनते और दो पैरों पर खड़े होते ही हम समझ गए थे सूर्य का प्रचंड प्रताप और प्रकाश, उसकी जीवनदायिनी शक्ति। हर पल बदलते संसार में, हर रात घटते बढ़ते चांद वाले आकाश में केवल एक सूर्य ही है जो हर रोज सही समय पर उदय होकर हमारी दुनिया को जगमग, जागृत और जीवित कर देता है और हमें एक अवश्यंभावी स्थायित्व का आभास देता है। सूर्य से ही तो हमारी फसलें, फल, पक हमें भोजन देते हैं। सूर्य से ही तो हमें बादल और बारिश मिलती है और सर्दियों में सूर्य जरा रूठा तो जीना दूभर हो जाता है। पेड़ों के पत्ते झर जाते हैं, वन्य जीवन गुप्त होकर लुप्त हो जाता है और पूरी दुनिया बेरंग सफेद हो जाती है। सूर्य ही तो सारे संसार को ऊष्मा, ऊर्जा और ओज से ओतप्रोत करता है। इसीलिए तो ऋग्वेद में कहा है कांतिमय ईश जनों का मुख प्रकट हुआ है सूर्योदय के साथ। हे ईश्वर, इस आदित्य के उदय के साथ हमें अंधकार, दुर्भाग्य और पाप दोषों से भी बंधन मुक्त कर देना आज। और अगर ग्रहण के समय सूर्य कुछ क्षणों को लुप्त हो जाए तो सारे संसार में हाहाकार मच जाता है। यह सूर्य के अनंत गुणों का प्रभाव ही तो है कि सारे संसार में आदिकाल से सूर्य की अर्चना, आराधना और सूर्य मंदिरों का निर्माण होता रहा है। दक्षिण अमेरिका के इंका काल के सूर्य उपासना स्तूप, मिस्र के रामसेस मंदिर परिसर में स्थित सूर्य मंदिर, रोम और यूनान, चीन
और जापान। मेसोपोटामिया और ईरान के सूर्य मंदिर और भी दुनिया भर में न जाने कितनी सभ्यताओं ने अपनी अपनी तरह की सूर्य उपासना और मंदिर परिसर देखे हैं।